अनलेस हमें बहुत बड़ा कोई डोनर मिल जाए, कोई एड मिल जाए, तो लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड वसाइल की वजह से हमारा दिल तो बहुत करता है कि ये यही इस मॉडल पूरे मुल्क में हो। कितनी लड़कियां हैं जो भगा के ले गई ऑक्सफोर्ड वालों में? ये अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो तो हाँ, वो देखते हैं, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन इस काबिल हो गई हैं वैसे। एक कॉल है आमिर साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अली फरमाइए, क्या कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि खराज तहसीन है ऐसे लोगों को जो इल्म के फरोग के लिए अपना दिन और रात माल पानी हर चीज लगाने को तैयार रहते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की उम्र दराज करे और ज्यादातर लोग आए, ताकि इस मुआशरे के अंदर जल्द से जल्द इल्म की आगाही बढ़ती जाए और अल्लाह ताला इसको तरक्की। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिल की बात की है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं ये कहूँ देखने वालों से कि अल्लाह ताला रजा को सेहत दे, लंबी उम्र दे, क्योंकि हमें उनकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। बेटा आप सवाल। मैम मैंने ये पूछना था कि आपके जो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल आई 16 साल पहले, वो किस तरह से लोग आपकी तरफ आए और आपने कैसे ओवरकम किया इन प्रॉब्लम्स से? ओके, बिना इससे पहले कि जवाब दें, छोटा सा वक्फा लेना है। मैं भी जानना चाहूँगा कि इनिशियली जैसे रजा ने कहा बहुत से लोगों ने मना किया, बात करो, लेकिन उसके अलावा भी तो फाइनेंशियल, मॉरल, सोशल जो, तो उसकी बात करेंगे, पहले छोटा सा वक्फा लेना। Thank you very much for staying with us. This is Azmi Ali Shan, Behtar Pakistan. Website ke sab bare mein baat karni hai. Firstly, please go on www.azmialishan.com/challenge and rise up to the challenge. Bahut time guzar gaya complain karte karte, ye hai wo hai, ye hai wo hai. Let's be the change that you want to see. So go on the website, please. Be active and you know, challenge. धमकी लगा रही हो, challenge, challenge. मतलब बहुत हो गया, अब मामला कड़ी पे आ गया. Yeah, I mean it's getting annoying now. अब कड़ी पे आ गई बात. ठीक है. So that and speaking of the website, we have two very interesting website stories. First, we have the unsung heroes of Pakistan. ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में हम credit नहीं देते हैं जिनको, लेकिन वाकई में इनको credit देना चाहिए. Firstly, we have this एक कच्ची गोलियां के नाम से एक देसी web comic चलता है. It's on Facebook as well. Go on the Facebook page of Pappu. तो there are three people behind this Pappu. एंड वो पप्पू क्या है, वो एक नोटबुक है, एंड इस नोटबुक के ऊपर देयर इज़ दिस इमेज ऑफ अ बॉय, एंड विद एवरी न्यू एडिशन उस बॉय की जो है वो एक गरीब सा बच्चा है उसकी कंडीशन बेहतर होती जाती है. तो द होल पॉइंट इज़ कि यू बाय द नोटबुक एंड द प्रॉफिट्स दे गो टू अ चैरिटी फॉर पीपल और फॉर किड्स, कि जो जिनकी ज़िंदगी जो इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं है उन बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए वो जाता है. एंड सेकेंडली जो अनसंग हीरोज में हमारे पास हैं वो हैं हमारे पास कराची के शारा फैसल के ऊपर एक ऑर्फनेज है, एंड इट्स नॉट रियली एन ऑर्फनेज, इट्स लाइक अ रिक्रिएशनल सेंटर फॉर किड्स, एंड प्लीज़ डू चेक आउट द स्टोरी ऑन द वेबसाइट. सेकेंडली वी हैव दिस पर्सन हु लिव्ड इन हजारा डिस्ट्रिक्ट एंड ही वाज डूइंग हिज एफएससी इन द कैडेट कॉलेज, एंड वहाँ पर लम्स वाले आए. Got amazing scores in his SATs and now he is in Harvard. Oh wow. And ये एक टोपी बेचने वाले का बेटा है कि जो टोपियां बेचते थे. Fantastic. बलूचिस्तान का लड़का है, एंड ये एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि इनके जो वालिद साहब थे इन्होंने कायद आज़म को जो जिन्ना कैब्स मशहूर हैं तो जिन्ना साहब उनसे ही कैब्स लेते थे. अरे माशाल्लाह, जबरदस्त, फिनोमिनल जी. वक्त की किल्लत है तो हम आपके सवाल इकट्ठे लेंगे. बीना आप अपने नोट्स कर लीजिए, क्योंकि आपसे हमने वहाँ भी दस्तखत भी करवाना है, तो अब हम सब कुछ साथ मिला के चलेंगे. जी बेटा आपका सवाल. इन्होंने कहा था कि इंटीरियर सिंध और इन जगहों पे भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मसला है, तो ये आपके शहरों में भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे लाहौर में देख लें, कराची में भी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इन चीज़ के बारे में, इन चीज़ को भी ओवरकम कैसे किया जाएगा? ओके ओके जी बीना, बल्कि मैं इस काम को साथ में दस्तखत भी करें और साथ में जवाब भी देते रहिए, दोनों काम साथ हो जाएंगे. आइए, पहले उन्होंने फरमाया कि जी व्हाई नॉट टेक सम मनी, जो कि आपने
जैसे कहा भी कि अगर जो कलम नहीं आई, उससे पहले एक और सवाल था, तो इनका एक सवाल था कि ये शुरू में हमें मसाइल थे क्या जी, इनिशियल हिंड्रेंसेस जो आपकी थी जी, अच्छा नाम ही लिखना जी जी बस दस्तखत कर दीजिए, जो इनिशियल हिंड्रेंसेस थे उसके उनके बारे में बताइए जी। तो शुरू के जो हमारे मसाइल थे और चैलेंजेस थे, तो उस हवाले से मैं ये बात करूँगी कि हमें हुए काफ़ी मसाइल दोनों तरह के, कि फाइनेंशियल भी, ह्यूमन रिसोर्स के भी, क्योंकि ऐसे इलाके में स्कूल खुला था कि जहाँ के हमें टीचर्स नहीं मिल रही थी, तो जो टीचर्स अवेलेबल थी अनट्रेन टीचर्स थी, उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर उनको रखना पड़ा, क्योंकि कोई हालांकि सैलरी जो टीचर्स की को जो हम लोग ऑफर कर रहे थे वो बाकी स्कूलों जितनी ही अच्छी थी, बहरहाल उन टीचर्स को ट्रेन किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो इस किस्म के हर्डल्स थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी बीन एबल टू ओवरकम इट, और टीचर्स को जब हम लेते हैं तो उनको ट्रेन करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल इश्यूज थे, वो तो खैर चलते ही रहते हैं लेकिन काम तो चल रहे हैं। तो दूसरी एक तो ये एक बात मैं ऐड कर दूं कि स्टूडेंट का टीचर्स की बात की, इनके घर के जितने अफराद हैं, रजा के जितने बच्चे हैं, उनके जितने बच्चे हैं, और वो सारे के सारे जो हैं उस प्रोजेक्ट में किसी ना किसी स्टेज पे इन्वॉल्व हैं, और माशाल्लाह बड़े इलस्ट्रियस और वो मशहूर बच्चे हैं, उनका भी आज हम जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि नूरी बैंड के नाम से आप वाकिफ़ हैं, तो अली नूर, हमज़ा, मंदाना, ये रजा उनके नाना हैं और ये इनकी खाला हैं, तो वो पूरा जो ख़ानदान है वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो इनके घर का प्रोजेक्ट है जो कि इन्होंने खैमे जी। सो जो शुरुआत के जो इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं, तो इंशाल्लाह वो तो एक चैलेंज है और चलता रहेगा। तो आपका पैसे क्यों नहीं लेते थोड़े आप, वो जस्ट उन्होंने कहा बिल्कुल, वो मैं उस पर आ रही हूँ कि जो दूसरा जो सवाल था कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि एक जो पहला हमारा स्कूल ये जो मेन ब्रांच है ये फ्री, आपने पूछा था जी, तो ये फ्री स्कूल है, तो फिर यही हुआ कि क्यों नहीं और स्कूल हम खोल सकते, तो जब ये मसला हुआ सस्टेनेबिलिटी का, यानी कि क्यों ना अब हम यूज़र चार्ज फी लें, क्योंकि उससे एक तो ये लोग देख भी सकते हैं और दूसरा ये है कि एक थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना कि एक अपना कुछ डालने में इन्वॉल्वमेंट हो, तो एक खैराती नहीं होता, खैराती जैसे कहा था, इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो इसलिए जो दूसरा कैंपस है वो अब हमने पेड मॉडल कर लिया है, पर मामूली सी को-एजुकेशन के इफेक्ट, को एजुकेशन के इफेक्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि एक तो जेंडर बैलेंस हो गया उसी कम्युनिटी में, बजाय के सिर्फ लड़कियों को अच्छी मियारी तालीम, बच्चों के अपने कॉन्फिडेंस पे क्या इफेक्ट आया, हाँ, और बच्चों के अपने कॉन्फिडेंस में दोनों लड़के लड़कियां जो कॉन्फिडेंस और